पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन कलित कोमल चरण भोभे हरण भक्त वत्सल रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार अकारण करुणा पूर्णालय राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा आदि शक्ति उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वशेष करीम सीताम न तोहम राम वल्लभ सारे जगत का सृजन करने वाली पालन करने वाली संहार करने वाली श्री राम जी के वाम भाग में विराजमान आदि शक्ति माता श्री जानकी जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ जिनके पावन सानिध्य में हम आप सभी लोग बैठ करके
कई वर्षों से यज्ञ का, भजनों का, कथा का आनंद लेते रहते हैं। हर वर्ष उनकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे हमारे परम श्रद्धे सूक्ष्म गुरु श्री दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अभी आप जिनके माध्यम से बड़ी ही सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे थे, रमा किशोरी जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर प्रसंगों को आपके समक्ष प्रकट करके हम आपको यह दिशा धारा प्राप्त हुई कि कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन का लाभ क्या है, इसे हम भागवत के माध्यम से सब सुन रहे थे। इस यज्ञ में आए हुए समस्त आचार्यगण, विप्रजन, संतजन, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से भगवान के सानिध्य में बैठे हुए समस्त श्रोतावृंद, शक्ति स्वरूपा समस्त माताएं बहनें, मंच पर विराजमान समस्त संगीतकार, हमारे सिया रामायणी जी, जिनके माध्यम से आप सभी लोग सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, कथा का आज तृतीय दिवस है। हम आप सभी लोग इस कथा गंगा में अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम आप यह सोचें कि जब हम फुर्सत होंगे तब भगवान की कथा सुनेंगे, अभी तो बड़ी व्यस्तता है। आप लोगों की संख्या देख करके मुझे यही आभास हो रहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में बड़ी व्यस्तता है। सब सोच रहे हैं कि जब फुर्सत हो जाएंगे तब हम कथा सुनने जाएंगे, एक काम कर लें, वो काम कर लें, ये निपटा लें, वो निपटा लें, इसके बाद कथा सुनने के लिए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यह व्यस्तता हमारी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कार्य जो है ये क्या है? ये सब ग्रह कार्य हमारे जो है बड़े बड़े पहाड़ की तरह हैं। एक हम काम निपटाते हैं, दूसरा काम तैयार हो जाता है। तैयार हुए कि हम कथा में जाएंगे, भागवत सुनेंगे, हनुमंत कथा सुनेंगे, लेकिन अचानक ऐसा काम आ गया कि हम कथा में न आकर के व्यथा में पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी व्यस्त जीवन में भी हम आपको भगवान से जुड़ना है, भगवान की कथा सुननी है, कभी हम आपको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। काम करो संसार का हर्ष राखो टेक, भगवान से टेक यानी भगवान का स्मरण होना चाहिए। काम करते रहे, काम को छोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके सत्संग के लिए भी जाना है, कथा भी सुनना है, क्योंकि जीवन का सार क्या है? हम इस संसार में जब आए थे तो कुछ लेकर के नहीं आए, और जब जाएंगे तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ एक दिन हम आपको यहाँ से जाना है। और हम जब परमपिता परमात्मा के पास में जाएंगे तो भगवान हमसे पूछेंगे आपने क्या किया है, भजन किया, क्योंकि ये मानव तन जो मिला है ये विषय वासनाओं में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है, केवल परिवार और घर के कार्य करने के लिए नहीं मिला है।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े भाग्य मानुष रत्न पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा अपायन जही परलोक संवारा। इस साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। मानव तन प्राप्त करने के बाद भी अगर हमने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है, तो पुनः 84 लाख योनि में हम आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मरण। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मृत्यु के समय में बहुत कष्ट होता है। जितना कष्ट एक जन्म देने वाली माता को होता है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। जितना माँ को कष्ट होता है उससे कहीं अधिक जन्म लेने वाले शिशु को कष्ट होता है। और जब प्राण निकलते हैं तब उस समय भी यूं ही प्राण नहीं निकल जाते हैं, बहुत सारी पीड़ा को सहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के प्राण निकलते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई।